Now, as expected, there was late night drama at the JNU campus over the BBC documentary screening that the JNU SU had planned. JNU students filed a complaint at the Vasant Kunj police station amid claims of stone pelting during the screening of a banned BBC documentary on the Prime Minister. Now, the police complaint is against 25 ABVP students. That was again registered at the Vasant Kunj police station. There's a statement from the AISA saying that the unit strongly condemns this shameful act of hooliganism by the ABVP. The democratic voice of the students will rage on against fascist politics of the BJP and the RSS. Now, beyond this, there's also an ABVP statement saying that at a time in which India is heading the G20, efforts are being made to tarnish the image of India by making one-sided content against the top leadership of the country. Now, JNUSU President Kasim to CNN News 18 has spoken and said that when the documentary was being screened, stone pelting had happened. Let's take a look at a ground report and some statements that have come in as well. JNU के छात्र अब पुलिस की ओर जा रहे हैं, यानी थाने की तरफ बढ़ रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में जेएनयू के छात्रों को आप देख सकते हैं जो निकल पड़े हैं। एबीवीपी के खिलाफ ये लोग शिकायत करने वाले हैं और इनका आरोप है कि एबीवीपी की तरफ से पत्थरबाजी भी की गई। क्या कुछ हुआ, कुछ छात्रों से बातचीत की कोशिश करते हैं। स्क्रीनिंग की बात हो रही थी, हम लोग को स्क्रीनिंग के लिए इन्होंने 8:30 बजे लाइट काट दी, स्क्रीनिंग पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, स्क्रीनिंग पॉसिबल नहीं हो पाया तो हम लोग वहाँ बैठ करके आपस में ही लैपटॉप में वो देख रहे थे। ठीक है, इसी बीच क्या हुआ कि साइड से पत्थरबाजी चलने लगी, बहुत सारे लोग आ गए एबीवीपी के, बहुत सारे हम लोगों के हॉस्टल के लोग जो लोग हमारे रेसिडेंट्स रहे हैं वो लोग भी आ गए एंड वहाँ से पत्थर मार रहे हैं, कोई लाठी फेंक रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि सब लोग भगदड़ मच गई, सब लोग वहाँ से सीधे हम लोग मेन गेट पे आ गए। मेन गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ देर 10 मिनट हुआ कि वो लोग भी आ गए वहाँ पे पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर दी और उसी पत्थरबाजी हम लोगों ने 2 लोगों को पकड़ा। दिल्ली पुलिस से अब आपकी मांग क्या होगी? हमारी यही मांग है कि हमें वापस से इलेक्ट्रिसिटी दे कैंपस में, डॉक्यूमेंट्री दिखाने, हम लोगों ने देख ली डॉक्यूमेंट्री, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री की वीडियोस हैं, हम लोगों ने देख ली। कि हुआ क्या बात है कि एबीवीपी को ये बात हजम नहीं हुआ कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के कॉल पे हजारों के तादाद पे छात्राएं जेएनयू के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रशासन के तरफ से कट करने के बावजूद वो आके मूवी को, मतलब जो डॉक्यूमेंट्री हम स्क्रीन कर रहे थे उसको अपने फोन्स में देखें, स्टोन पेल्टिंग शुरू हुआ, पानी फेंकना शुरू हुआ और इस तरीके से बदतमीजी शुरू हुई। उसके बाद लगातार ईंट पत्थर फेंके गए तो वहाँ से हमने सिक्योरिटी को सामने रखते हुए, सिक्योरिटी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, फिर भी उनको खींच के हम लोग किसी तरीके से बोले आप सामने रहो, हमें मेन गेट के तरफ जाना है। कुछ लोगों को पहचान करके आप लोगों ने पुलिस के सामने भी रखा है, 2 लोगों को ऐसी बातें सामने ने देखा है और वीडियोस है, वो एबीवीपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो कंटिन्यूअसली उस जगह पे थे और एबीवीपी का जो ऑफिस बेयरर्स है इंक्लूडिंग रोहित वो उस समय पे मौजूद था। तो जेएनयू प्रशासन ने जब कहा था कि इजाजत नहीं दी थी तो आपको नहीं लगता है कि स्क्रीनिंग के लिए अगर इजाजत नहीं दी थी, मान लेते हैं ना दी थी कि नहीं, बात ये है कि उन्होंने एडवाइजरी जारी की जी। एडवाइजरी और इजाजत देना ना देना अलग चीज़। एडवाइजरी में क्या कहा? दूसरी बात यह है जेएनयू एसयू के ऑफिस जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के बुकिंग से नहीं बुक होता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, हम तो फिर परमिशन किसका ले, हम लोग कर रहे हैं ना, फोर्सफुली तो नहीं बोले है लोगों को स्क्रीनिंग देखने के लिए। उनको शिकायत थी मुझसे, ऑर्गेनाइजर से उन्हें शिकायत थी, जेएनयू एसयू से उन्हें शिकायत थी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग से, तो जाके एफआईआर करवाते ना, वो कंप्लेंट करते ना, जैसे एडवाइजरी निकाला जेएनयू प्रशासन ने, एडवाइजरी निकालते, पर्चा बांटते कि जेएनयू एसयू ने गलत किया है, लेकिन पत्थरबाजी करना कहाँ का लॉजिक है? उनको सामने सब लोग बोल रहे थे मत करवाइए, मना कर रहे हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं? अभी पत्थर लगी है हमारे सामने, पत्थरबाजी हुआ है और मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे जर्नलिस्ट आप लोगों के बीच में से मीडिया के दोस्त थे, मैं सिर्फ नहीं बोल रही हूँ ये बात, आप अपने जर्नलिस्ट से पूछिए कि पत्थरबाजी हो रहा था। आप लोग एफआईआर कराएंगे? ऑब्वियसली एफआईआर कराएंगे। अगर किसी के पास में ये सबूत है कि हमने पत्थर मारा है, अगर सबूत है, हम पत्थर नहीं चलाते किसी पे, हमारी ये नहीं है, हम नहीं चलाते पत्थर। जेएनयू कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। आधिकारिक तौर पे जेएनयू छात्र संघ की तरफ से 25 एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ यहां शिकायत दर्ज कराई गई है। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष खुद थाने पहुंची थी सैकड़ों छात्रों के साथ और उन्होंने
दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है 25 लोगों के खिलाफ और कुछ सबूत भी दिया है आईसी घोष की तरफ से, और मांग करेंगे कि जिन एबीवीपी छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है आईसी घोष की तरफ से उन पर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी दिल्ली पुलिस या जेएनयू प्रशासन की तरफ से तो आने वाले वक्त में जेएनयू छात्र संघ के लोग आगे की कार्रवाई करेंगे जिस तरह का भी उनका प्लान होगा, छात्रों का प्लान होगा, क्योंकि जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष का दावा है कि लाइट काटने के बाद पत्थरबाजी की गई, एबीवीपी के छात्रों की तरफ से हिंसा की गई। आईसी घोष जो कि जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष है, उनका आरोप है कि एबीवीपी के लोगों ने पत्थरबाजी की जब वो लोग अपने लैपटॉप और मोबाइल पर फिल्म देख रहे थे, लाइट काट दी गई थी, और जब लाइट कटने के बाद पहली बार पत्थरबाजी के बाद जब मार्च करते हुए छात्र यहां इकट्ठा हुए, जेएनयू छात्र संघ के ज़्यादातर छात्र जो कि लेफ्ट विंग से जुड़े हुए हैं वो यहां इकट्ठा हुए, तो यहां भी एबीवीपी के छात्रों ने पत्थरबाजी की। और लेफ्ट विंग से जुड़े कुछ छात्रों का कहना है कि दो लोगों को पकड़ के उन्होंने पुलिस के हवाले किया लेकिन पुलिस ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। जेएनयू के मुख्य गेट पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और अपने कैमरा पर्सन दिनेश देहड़ी से कहेंगे कि पुलिस की संख्या आप देख रहे हैं, पुलिस वैन की संख्या देख रहे हैं। लेफ्ट विंग के छात्रों ने, जेएनयू छात्र संघ ने दिल्ली पुलिस से एबीवीपी के खिलाफ शिकायत की है। We're crossing over to CNN News 18's Anshul Singh to get us more details. He's joining us live. Anshul, one clarity needed from you. Now, when it comes to what the JNUSU is saying, they're saying that, yes, stone pelting did take place. It was started by the ABVP. The ABVP is saying, no, there was no stone pelting. Aren't there CCTV cameras that can confirm what went on? Yes, definitely. That is going to be the part of the investigation. And if at all the police decides to register an FIR in this case, because remember, an FIR has still not been registered. It is still a complaint that was given by the JNUSU to the Vasant Kunj police station. And the complaint has been received by the Delhi police is what we are picking up. And also the manner in which the entire incident blew out of proportion yesterday. Initially, the JNUSU claimed that the JNU administration had intentionally cut off the electricity in that entire hostel campus just to make sure that the screening of that movie does not take place, after which the JNUSU went ahead with their plan B, which was actually that the students would be watching the documentary on the mobile phones. And just a few minutes after that, we started picking up reports that there were initial some sort of stone pelting that happened, after which the JNUSU started their protest march. And the JNUSU is still claiming that there were more stones that were pelted at them at the main gate. So yes, this is all a part of the investigation right now, but the JNUSU managed to capture two people as what they have been claiming, and they claim that these people belong to the ABVP. However, I spoke to the members of the ABVP and the office bearers of the ABVP regarding this entire matter, and they said that none of the members of the ABVP were anywhere near the location where the screening was happening. And since morning, the ABVP has continuously been saying that such screening should not happen, and if such screenings happen, they are going to go ahead and file complaints. And also the manner in which the JNU administration already released that advisory in which they said that screening such documentaries inside the campus could inflate emotions and hamper the law and order situation inside the campus, and that is something that has happened yet again. So yes, it remains to be seen how does the JNU administration now respond to this, and will they take any action against the JNUSU for screening that documentary inside the campus, even when at a point when the JNU administration had gone ahead and said that the screening should not happen. So yes, absolutely. I'm sure we'll be on this when it comes back to the JNU administration.